खाना तो हमने बनाया है। तुमने बनाया? पर सारे हलवाई तो चले गए थे ना। हटाओ ये सब। 5 मिनट में मुझे पूरी जगह खाली चाहिए, एक इंसान नहीं दिखना, पूरी जगह साफ चाहिए मुझे। जी, खाना मैंने और लक्ष्य ने बनाया। तुम्हारे पास मैं आज का खाना संभालना, इसीलिए मैंने सारी की सारी जिम्मेदारी सौम्या को दे दी थी। तुम क्या देख रही थी? जब हमने सौम्या जी को परेशान होते हुए देखा कि केटरर्स नहीं आ रहे हैं, हमने बना लिया। गृह प्रवेश पे आपके बॉस, आपके साथ काम करने वाले बिना खाए कैसे जा सकते थे? अनर्थ हो जाता। शाबाश मंगल, तुम सही अर्थ में गृह लक्ष्मी हो, साक्षात अन्नपूर्णा। हमारी तो जान ही निकल गई थी, किसी ने हमारे बेटे की नाक काटने का पूरा इंतजाम कर दिया था। लेकिन बेटा, तुम सही अर्थ में जीवन संगिनी हो। पत्नी धर्म बहुत अच्छी तरह से निभाया तुमने। सक्सेना परिवार की इज्जत रखी, लाज रखी तुमने हमारी, वरना सारे समाज में थू थू हो जाती हमारी। आदित बेटा, सही कहा ना हमने? जी अम्मा, बस उन्हें खाना ठीक लगे। चल गायत्री, हम चल के मेहमानों को देखते हैं। जी माता रानी करे, सब ठीक होगा। वैसे बनाया क्या है तुमने? आलू पूरी, कचौड़ी, छोले, खीर, गुलाब जामुन, यही खिलाना चाहते थे क्या? क्या करूं, बॉस को देसी खाना नहीं खिलाना चाहता था मैं। इंडियन खानों की आदत नहीं है उन्हें, खासकर तेल मसालों की। इंडिया में बहुत कम ही रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने तेल मसाले कम ही डाले हैं। पर इतना खाना बनाया कैसे तुमने? खाना कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, बहुत खाना है, और लोग आ भी जाए तो भी कम नहीं पड़ेगा। मंगल, हम कब से इतने टेंशन में, न जाने कितने कॉल्स कर लिए हमने। तुम दोनों अगर सब कुछ हैंडल करने ही वाले थे तो हमें बता तो देते, जान निकली जा रही थी हमारी। पता है अदित कितनी टेंशन में था पूजा में, हार्ट अटैक आ जाता तो। रहने दो सौम्या जी, हैंडल हो गया ना सब। वैसे हार्ट अटैक तो आ ही गया था, ये सोचकर कि गेस्ट कहीं बिना खाए वापस ना चले जाए। चलो कम से कम अब कुछ तो है हमारी नाक बचाने के लिए। सौम्या जी, आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने कहा था कि डिस्टर्ब मत करो, और आप लोग ट्राई कर रहे थे दूसरी जगह से खाना मंगवाने के लिए। हमने भी ट्राई किया कि समय रहते कुछ रेडी कर दे, आपका खाना आ जाता तो वही परोसा जाता। चलिए अब आप भी खाना खा लीजिए। पल्लो पावली,
देखा कैसे लक्ष्मी ने मंगल का साथ देकर सारी महफिल लूट ली है? इतरा तो घूम रही है और तू यहाँ बैठ कर पनीर पूरी ठूस रही है। जब 100 लोग आते हैं ना तो लड़की को भाप के देखते हैं कितने गुण हैं, घर की गृहस्थी संभालने लायक है या नहीं, और तुझे ऐसे चटोरों की तरह खाते हुए देखेंगे तो एक भी रिश्ता नहीं आएगा, समझी? चल खड़ी हो, मंगल के आगे पीछे घूम, चल जा उसके साथ, चल। मम्मी लोग ना शक्ल सूरत भी देखते हैं, कहां मैं और कहां वो लक्ष्मी, और मुझे लोगों को खाना खिला खिला कर खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे अच्छे से खाने दो, उसको करने दो ना सारी मेहनत, क्या है वो और क्या ही करेगी। तितर सा बना बैठी है, कब अकल आएगी तुझे, और कितनी बड़ी होगी। दीदी आपकी एक खिली खिली मुस्कान ले जाएगी किसी की जान। तू बढ़िया आ गई कविता लिखने, आज तो जीजू को पता चल ही जाएगा कि उनकी पत्नी किस लोहे की बनी है। वैसे आप नहीं होती तो सौम्या जी ने तो जीजू का सर झुका ही दिया था सबके सामने, और मेहमान अगर भूखे चले जाते तो सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ऊपर से तेवर दिखा रही थी वो सौम्या जी, आपको डांटने लगी कि बताया क्यों नहीं। दीदी आपको भी ना पलट के सुना देना चाहिए था उनको। तेरे जीजू ने कह दिया ना, वही ठीक है, हमको बस अपना काम करना है, कौन क्या सोचता है इसे क्या मतलब। आदि जी समझते हैं सब, और क्या चाहिए। दीदी 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 अब ऐसे क्यों बैठी है। दीदी अगर वो समझते हैं तो फिर क्या हुआ था, अब रो क्यों रही थी कमरे में। जरूर जीजू ने कुछ बोला होगा। फिर शुरू तेरा, कितनी बार कहा है ना पति पत्नी के बीच कहा सुनी हो जाती है, ये रिश्ता ही ऐसा है। और समझ की उनके जीवन में मैं ही हूँ जिसे वो दो बातें सुना सके, पत्नी हूँ, मेरा काम है उनके मूड को ठीक रखना ना कि बिगाड़ देना। देख कितने खुश लग रहे हैं, चल अब बातें मत बना, गरम गरम पूड़ियाँ लेकर आते हैं। गायत्री हम अभी आते हैं। वाह पूरी। अरे बस बस बेटा, अच्छा चलो आधी आधी खाते हैं, ये ले। सच पूछे तो माँ पेट में जगह मेरे भी नहीं है, लेकिन फिर भी खा जा रहा हूँ। मतलब पेट भर गया है पर मन नहीं भर रहा। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है ना। ये मंगल और लक्ष्मी ने इतना सारा खाना बना लिया, बताओ भाई मैं तो मान गई। मान तो मैं भी गया किसी को। किसको? है कोई जो दिल की बहुत अच्छी है। बताऊं कौन है वो? बता ना। मेरी माँ। वैसे माँ आपने लक्ष्मी को हाथ देकर बहुत अच्छा किया, जाती हुई थी उसके साथ। हाँ मैं उसे इसकी भरपाई नहीं करूंगा पर आपने मान रख लिया उसका, थैंक यू। कार्तिक गलती तो मेरी थी, तुमने मुझे बताया कि उस दिन असल में वहां पे क्या हुआ था और मुझे गलतफहमी हो गई थी, तो फिर तुम्हारी बात मानने में कोई बुराई नहीं है। माँ का मूड अच्छा है आज, जब बात निकल ही रही है तो क्यों ना जिया के बारे में बात बोल ही दूं। ऐसे माँ अच्छा आपसे एक बात करनी थी मुझे, आप कई दिनों से सोच रहा था। तुम मेरी एक बात सुनो, या तो तुम उन्हें बताओ या फिर मुझे बताने दो, और वो भी जल्दी से जल्दी, मैं और वेट नहीं करने वाली।
माँ कोई है? माँ माँ क्या हुआ? प्लीज पानी दीजिए प्लीज, आराम से आराम से। आपने तो डरा ही दिया था, ज्यादा तीखा हो गया। बस थोड़ा गले में लग गया। मैं भी ना पागल, खाना खाते वक्त आपसे बात कर रहा था, आप ही ने उसे सिखाया था खाना खाते वक्त बोलते नहीं। मैं कभी और बात कर लूंगा। अभी तो डाल दिया मैंने, लेकिन कार्तिक फिर से उसकी बात उठाएगा जरूर, तब क्या करूंगी? या यस मां, 2 मिनट्स। या आई एम ओके। अरे कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूं उससे, पर वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। बहुत एटीट्यूड है यार उसमें। उसने सबसे बात की पर वो मुझसे बात करने के लिए भाव खा रही है। मेरी शिकायत कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मेरी बात क्यों करेंगे? सॉरी, अरे कितनी बार सॉरी बोल दिया मैंने। अरे ऐसे लग रहा हूं मुझे देखना ही नहीं चाहती। सॉरी का तो बिना जवाब दिए चलिए। मैं कब से मेहनत कर रहा हूं तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम की भाव खा रही हो। अब मॉम का गुस्सा तो तू जानता है ना, उन दोनों के बीच आके फंस गया हूं मैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये तो पक्का मेरी बात हो रही है। जिया को मना ले तू, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। हाँ मैं मॉम से जल्द बात करूंगा हमारी शादी के बारे में। मुझसे शादी? पागल हो गया क्या ये? मैंने ऐसे क्या बोल दिया कि ये मुझसे शादी करने की सोच रहा है? हे माता रानी, अब तो इनसे दूर रहना पड़ेगा, 100 फीट दूर। ओके। वेरी डिलीशियस, आई एम हैविंग दिस फूड आफ्टर लॉन्ग टाइम। भारत जब भी आता हूँ ना तो लोग मुझे फीका खाना ऑफर करते हैं, इटालियन पास्ता, पिज्जा और क्या नहीं। आदित, आई मस्ट से तुमने तो मुझे अपने देश का स्वाद चखवा दिया यार। माँ की याद है इन मसालों में जी। थैंक यू सो मच। यस सर, शी कुक्स रियली वेल। रोज इतना बढ़िया खाना खाते हो, तुम लकी हो। यस सर, इस मामले में तो लकी हो। मुझे जाने दो। क्या हुआ सनी, नाराज हो क्या? मैं होती कौन हूँ नाराज होने वाली? तुम्हारी गेस्ट बनकर आई थी और अब जा रही हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, अब खाना डिलीवर करने में अगर उन लोगों ने गड़बड़ कर दी तो। I'm so upset यार, तुम्हारी एक छोटी सी मदद नहीं कर पाई मैं। इट्स ओके सौम्या, अभी सब जाने दो। मैं जानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है और सब कुछ मैनेज हो गया। हाँ, मंगल ने मैनेज किया, देखा मैंने कितने खुश हो रहे थे तुम, और होगे भी क्यों नहीं ना, आखिर वाइफ तो वाइफ है। Come on Soumya, तुम्हें लग रहा है मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मंगल ने सब कुछ हैंडल किया? अरे मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि हमारा काम हो गया, वरना कितना तमाशा हो जाता। नहीं आदित्य, तुम नहीं समझोगे, मैं जब भी तुम्हें मंगल के साथ देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हम चाहे जितने भी करीब हो, हम साथ नहीं हैं, साथ तुम्हारे वो हैं। तुम खुद को मेरी नजर से क्यों नहीं देखती सौम्या? तुम मेरे करीब नहीं हो, मेरे दिल में हो, मेरा सब कुछ हो, बस तुम ही हो और कोई नहीं। And you know it। बोलो, जानती हो या नहीं, बोलो, tell me।
ऐसा है तो मेरी एक बात मानोगे? अरे एक नहीं, तुम्हारी हर बात मानूंगा मैडम। ठीक है, तो कल होली है और अगर तुम कहते हो कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ तो कल तुम होली मेरे साथ खेलो। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम सारा दिन मेरे साथ रहो, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, लेकिन बस इतनी सी खुशी दे दो मुझे कि होली का पहला रंग मैं अपने हाथों से लगाऊं तुम्हारे चेहरे पर। लेकिन सौम्या समझो, ऐसा नहीं है, रंग तो मुझ पे मंगल ही लगाएगी, ऑफ कोर्स वो तो बीवी नंबर वन है, आई गेट इट। अरे सुनो तो सही, मैंने ऐसा कब कहा? पर समझने की कोशिश करो, त्योहार के दिन मैं घर पर रहता हूँ, अम्मा को अच्छा लगता है। सौम्या प्लीज समझो, मैं अपने घर से नहीं निकल पाऊंगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे रंग नहीं लगा पाओगी तो मैं किसी से भी रंग नहीं लगवाऊंगा। Is that okay? Fine, it's okay. देखते हैं कल क्या होता है। मतलब? कुछ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कल होली के दिन पहला रंग तो मैं ही तुम्हें लगाऊंगी। तो यहाँ खेल रहे हो तुम लोग? पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने। मम्मी तो बस बस, अगर कल कार्तिक चाचू के घर होली खेलने जाना है ना तो जल्दी सोना पड़ेगा। चलो ये कल हम सुबह सुबह पानी के बलून्स भर लेंगे, पूरे 500 बलून्स लेके जाएंगे कार्तिक चाचू के घर। 500 बलून्स? बाप रे, इतने सारे बलून्स के लिए तो जल्दी उठना पड़ेगा ना, और जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा। कल मैं सभी को रंग लगाऊंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाचू को, मासी को, छोटी दादी को भी। मम्मी इसको तो कल कंट्रोल में रखना पड़ेगा, वरना ये तो पागल ही हो जाएगा सबके सामने। बस बस, जिसको जितना रंग लगाना है लगा लेना, कोई नहीं रोकेगा। हम भी खूब हल्ला मचाते थे। मजा आता था। मम्मी आप? और क्या, चांदनी चौक में सब डरते थे आपकी मम्मा से, होली के दिन होली की रानी कहते थे। मम्मा आप स्टिल लाइफ देखते देखते स्माइल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, अपने पुराने दिन याद आ गए थे। होली के दिन तो हम किसी को नहीं छोड़ते थे, सब पे पानी, पिचकारी, गुलाल, कलर, गुब्बारे। रियली मम्मी? बिल्कुल, सबसे ज्यादा मैं ही खेलती थी। सुबह से ही हाथ में रंग लेकर खड़ी हो जाती थी, सबके ऊपर पहला रंग मैं ही लगाती थी। सब बोलते थे भागो होली की रानी आ गई। होली की रानी और आप? लेकिन हमने तो आपको कभी होली खेलते नहीं देखा। हाँ। आप तो हर होली पे सबको खिलाने और पिलाने में ही बिजी रहते हो। मैं बहुत खेलती थी बेटा। हम कैसे मान ले? हाँ, हम तो तभी मानेंगे जब आप पापा को कलर लगाओगे। हाँ मम्मा, आप पापा के साथ होली खेल के दिखाओ। चल के सोना नहीं है क्या तुमको? बातें करते रहोगे, चलो। आप तो होली की रानी हो ही नहीं सकते, आप पापा को कभी कलर नहीं लगाते, आप डरते हो। हाँ मैं डरती नहीं हूँ बेटा आपके पापा से,
उनकी इज्जत करती हूँ। होली में तो सबकी मम्मी कलर लगाते हैं, पर आप क्यों नहीं लगा रहे हो? हाँ मम्मा, लगाइए ना। आपके लिए चैलेंज है, आपको पापा को कलर लगाना होगा। मेरे बच्चे ऐसा क्यों समझते हैं कि मैं आदित्य से डरती हूँ? ऐसा नहीं है, कल मुझे आदित्य पे कलर लगाना ही होगा। तुम्हारे पापा पे सबसे पहला रंग तुम्हारी मम्मा ही डालेगी, देख लेना। रियली मम्मी?